थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट टू साइन 90 माइनस थीटा, तब कॉट थीटा का मान पता कीजिए। तो आइए इसे हल करते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया है हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट दो साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट दो, यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, अब हम इस पूरे में अगर कॉस थीटा से भाग कर दें तो ये हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा प्लस एक बराबर रूट दो। तो यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इसे हम लिख सकते हैं टेन थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा बराबर रूट दो माइनस एक, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया, अब टेन थीटा बराबर होता है यहाँ पे टेन एक्स बराबर होता है एक बटा कॉट थीटा के, कॉट एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेन थीटा को लिख सकते हैं एक बटा कॉट थीटा बराबर रूट दो माइनस एक, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कॉट थीटा बराबर एक बटा रूट दो माइनस एक, ठीक है। और इसमें हम इसका परिमेयीकरण कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा रूट दो प्लस एक बटा रूट दो प्लस एक से गुणा ऊपर नीचे कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट दो प्लस एक बटा रूट दो का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे a माइनस बी गुणा ए प्लस बी बन गया, ठीक है। तो ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो यहाँ पे आ गया रूट दो का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट दो प्लस एक बटा दो माइनस एक, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट दो प्लस एक, और यहाँ पे दो माइनस एक हो गया एक के बराबर। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। धन्यवाद।